वचन के बाहर आके कोई काम नहीं कर सक। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए उसने कहा इस पुस्तक को खा आंतरिया भर, और फिर जब आप प्रेयर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वर्ड होगा, आपको मालूम होगा अपना केस मैंने किस तरह से लड़ने है, अपने परमेश्वर के सामने किस तरह से प्रमाण रखने है। आमीन। अपना केस स्ट्रॉन्ग करके परमेश्वर के सामने रखो। हालेलुया। यहां 1000 ऐसे हैं लड़के जो बेस्ट वाइफ चाहते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं प्रार्थना कैसे करनी। भजन संहिता 128 में लिखा, तेरी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी, पर कभी प्रेयर नहीं की। तेरे बच्चे जल पाई के पोथे से होंगे, कभी प्रेयर नहीं की। निधि वचन 3 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, अपने पहले फल उसके घर में देना, तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। पर अगर वचन माना नहीं होगा, मैं वचन क्लेम कैसे करूंगा? पहला फल दिया नहीं, टाइथ दिया नहीं, ऑफरिंग दी नहीं, तो ये वचन पूरा कैसे होगा? अगर आपको वचन की नॉलेज हो, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन से प्रार्थना करते हैं, इम्पॉसिबल है आप टूटे हुए रहें, आप बीमार रहें, इम्पॉसिबल है। उसने ये नहीं कहा तुम बीमार नहीं होगे, तुम्हें चुनौती नहीं आएगी। चुनौती आएगी, पर बाइबल कहती है धर्मी विपत्ति में पड़ेगा जरूर, पर यहोवा उसको एक एक विपत्ति से क्या करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया। जब हम नीति वचन 3 पढ़ते हैं, उसने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये एक वचन, अगर आप इससे प्रार्थना करें, आप इस तरह बुद्धि खुलेगी आपने कौन सा बिजनेस करना है, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। कौन से कॉलेज को ज्वाइन करना है आपको परमेश्वर बताएगा। उसने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा, कहां जाना है और कहां नहीं जाना, अगर आप इस वचन से प्रार्थना करें वो आपको बताएगा। हालेलुया। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसने कहा बुराई से बच के रहना, यहोवा का भय मानना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। उसने कहा ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मॉइस्चर रहेगा उनमें, वो सूखेंगी नहीं, ग्रीस खत्म नहीं होगी। और आप जानते नहीं वचन में क्या क्या लिखा। ये वचन काफी है हड्डियों में ग्रीस भरने के लिए। तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मॉइस्चर रहेगा उनमें, बाइबल कहती है। पर अगर इस वचन से फाइट ना करेंगे, इसलिए मैंने कहा जो आप खुदा से मांग रहे हो, कहां बाइबल में लिखा है खुदा आपको देगा? अगर आपने ढूंढ लिया है वो चीज भी आ जाएगी, अगर नहीं ढूंढा तो ढूंढो। आमीन। अब वो लोग सोच रहे हैं जो बाइबल को हफ्ते बाद लेके आते हैं, अब जाते हुए फ्रिज में रखनी है और संडे सुबह फ्रिज से उठानी है, झाड़नी है कि चलो भी चर्च चलिए आप आज, क्या होगा आप लोगों का? हालेलुया। उसको पढ़ना, उसको खाना, अपनी आंतरियां भरना, ताकि जब आप वचन प्रार्थना करने के लिए बैठे, आपका वचन जो आपने पढ़ा है वो आपके अंदर से बोले परमेश्वर को। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पत्रस को जब मार पड़ी, बाइबल कहती, और वापिस आया जब वो अपने चेलों के पास, तो बाइबल कहती जब सब परमेश्वर के चेले प्रार्थना कर रहे थे, तो पत्रस ने कहा हे प्रभु अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के हाकिमों ने व्यर्थ बातें की। ये कहां लिखा था वचन? भजन संहिता में। उन्होंने भजन संहिता में से प्रार्थना की, और बाइबल कहती वो स्थान जहां पे वो इकट्ठे थे हिल गया, और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और वचन कहां से पढ़ा गया? भजन संहिता से। पवित्र आत्मा जब मिला, वो वचन कहां से पढ़ा गया? योएल नबी में से, 2 की उसकी 28 आयत में।
बिना वचन से चेले कभी प्रार्थना नहीं करते थे, इसीलिए वो इफेक्टिव थे और असरदार थे, जबकि उनके पास नया नियम नहीं था। नया नियम आपके पास है, उनके पास कोई नियम नहीं था, पुराना नियम था सिर्फ। पुराने नियम से वो यीशु मसीह को ढूंढते थे। पुराने नियम में यीशु मसीह के जहां जहां यीशु मसीह को जिक्र किया गया, जाहिर किया गया, उन पदों से, उन वचनों से पढ़ के वो प्रार्थना करते थे, और बिना वचन के कोई प्रेयर नहीं करते थे वो। आपकी लाइफ उतनी ही असरदार है जितनी आपकी प्रार्थना की लाइफ असरदार है। आपकी लाइफ उतनी ही आशीषित है जितनी आपकी प्रार्थना की लाइफ आशीषित है। अगर आप प्रेयर लाइफ में जीरो, आप इस लाइफ में भी जीरो, क्योंकि आप इजी टारगेट हो शैतान का। कभी भी आएगा वो एक हिट मारेगा और मालूम होगा बंदा कहाँ है जी, वो तो चर्च आया नहीं जी, उसमें तो अटैक हो गया जी। क्योंकि बाइबल कहती है प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पढ़े। अपने बच्चों की कंप्लेंट करने से क्या फायदा अगर आपने उनके लिए प्रार्थना नहीं की अभी तक तो। कभी घुटने टेके अपने बच्चों के लिए, कभी घुटने टेके अपने बच्चों के लिए फास्ट रखा है कभी कि आज बुधवार है जो शुक्रवार है आज मैं एक फास्ट रखती हूँ, प्रार्थना करती हूँ अपने बच्चों के लिए? नहीं। हाँ, प्रेयर लाइन में लंबा जोड़ा व्हाइट पेपर लेके हमें खड़े होना अच्छा लगता है कि पास्टर प्रार्थना कर दे, खत्म हो जाए बात। बाइबल कहती तू अपना प्रमाण दे, तू अपना मुकदमा लड़, तू यहोवा के सामने जा, वचन के बीच से प्रार्थना कर, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये वचन हमें याद नहीं आते। हालेलुया। कभी प्रार्थना की अपने बच्चों के लिए, प्रार्थना की अपने पास्टर के लिए, अपनी चर्च के लिए, भवन के लिए, अपने लोगों के लिए? नहीं, कभी नहीं की। हमें यही नहीं पता कि मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट बाइबल में कहां लिखी, कहां लिखा है वो मुझे आत्मा से भरेगा, कहां लिखा मेरी आत्मिक लाइफ को वो आशीषित करेगा, कहां लिखा मेरे फाइनेंस को वो ब्लेस करेगा, कहां लिखा मुझे किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी, कहां लिखा मुझे लंबी आयु देगा, कहां लिखा मेरी हड्डियों को वो ब्लेस करेगा, कहां लिखा मेरे शरीर को वो ब्लेस करेगा, कहां लिखा है बाइबल में? हर एक वचन बाइबल में लिखा है, उसको ढूंढना आपकी जिम्मेवारी। अब आप शायद आज समझ गए कि बाइबल पढ़नी कितनी जरूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि तो यहां कुछ बंदे बैठे, उनको लगता है बाइबल पढ़ना बीबीओ का काम है, हम तो बस बिजनेस करते हैं। हाँ, संडे संडे पर चर्च चाहिए जरूर। अगर आपने ये पुस्तक खाई नहीं, आपने इसको आंतड़ियों में नहीं भरा, जब आप प्रेयर करने के लिए बैठेंगे आप फोकी प्रेयर करके उठ जाएंगे। अब आप परमेश्वर में आ चुके हैं, परमेश्वर ने आपके दर्द को यूज किया, आपकी पेन को यूज किया, आपके दुखों को यूज किया, आपको अपने पास बुला लिया, आपको यह मालूम है कि आप डिवाइन ईश्वरीय बुलाहट के तहत बुलाए गए हो, आए चर्च में, परमेश्वर ने आपको बुलाया, अब आगे आपको आपको जीतने के लिए कुछ करना है। आमीन। आप पे दया हो गई, अनुग्रह हो चुका है, आपने कुछ नहीं दिया आप सल्वेशन के लिए, कोई आपने 40 दिन के फास्ट नहीं रखे सल्वेशन के लिए, कोई मुक्ति के लिए आपने दिन रात के रोजे नहीं रखे, आपको सिंपली मालूम हुआ यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आपने विश्वास किया, मुक्ति आपको मिली, आगे काम आपने करना है। आमीन। मुक्ति फ्री है, सल्वेशन फ्री है, पर बाकी चीजें फ्री नहीं है, उसके लिए आपको काम करना है, आपको प्रेयर करनी है। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आमीन। आप इसी वर्ष को लेके जा सकते हो परमेश्वर के सामने, अपने हस्बैंड के लिए, कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू नहीं चाहता कोई भी रू नाश हो, मेरे हस्बैंड को बचा, तूने बाइबल में लिखा तू तेरा घराना बचाया जाएगा, मैं बच चुकी हूं, मैं तेरा थैंक्स करती हूं, साथ साथ में थैंक्स करी जाओ। अगर उसने आपको बचाया, आपका घराना बचाया जाए, आपके लोग भी बचाए जाए, आप हील भी होंगे, डिलीवर भी होंगे। आमीन। ऊंचा आशीष होती चर्च। आप तैयार हैं बाइबल के बीच से प्रार्थना करने के लिए? कहां लिखा है बाइबल में परमेश्वर आपकी गरीबी खत्म करेगा? कहां लिखा है? कहां लिखा है? अगर आप नीति वचन पढ़ें, उसमें कई बार आया कि धर्मी के घर में धन और संपत्ति रहेगी, और गरीबी जो श्राप है परमेश्वर उसे दूर करेगा। कई बार आया पर आपने पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा तो इग्नोर किया। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं?
आपका हल आपकी बाइबल में जो आपके हाथ में, आप जब उसे पढ़ेंगे और अपनी आंतरियां उससे भरेंगे और उसे खा लेंगे और जब आप प्रेयर करने के लिए बैठेंगे, वो बोलेगा आपके अंदर से। और वचन से की गई प्रार्थना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं आपको आपकी फैमिली की टेस्टिमनी के साथ आते हुए देख रहा हूं, मैं आपके जवान बेटे के मन को बदलता हुआ देख रहा हूं, मैं आपके लीवर कैंसर डिजीज को खत्म होता हुआ देख रहा हूं। मैं नहीं जानता या मैं इसका हो चले, लेकिन मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ की टेस्टिमनी को। मैंने कहा मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ की टेस्टिमनी को आते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आशीष ऊंची चर्च। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहां लिखा?